हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको दोस्तों स्वागत है। दोस्तों इस समय बीएड बीटीसी यानी कि डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। फाइनली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से यूपीटीटी 2020 को कराने की जो मंजूरी है वो प्रदान कर दी गई है। बहुत जल्दी इसके लिए आपको ऑफिस से नोटिफिकेशन आने वाला है। फाइनली आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते होंगे यूपीटीटी 2020 को शासन की मंजूरी, फरवरी के अंत तक परीक्षा संभावित। पूरी न्यूज़ हम यहाँ पर जानेंगे विस्तार से। उससे पहले यहाँ पर पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि आप स्क्रीन देख सकते होंगे। पुलिस में 18,912 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। जी हां दोस्तों, 9,534 सब इंस्पेक्टर प्लेटून कमांडर के आदि के पद हैं। तो दोनों ही न्यूज के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। सो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहली अपडेट यहां पर वीएड बीटीसी डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए। आप देख सकते होंगे सच्चे परीक्षा नियामक प्राधिकारी से परीक्षा के लिए मांगी गई जानकारी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीटी 2020 का इंतजार कर रहे वीएड बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। सच्चे परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव पर शासन की ओर से यूपीटीटी 2020 कराने की जो अनुमति है वो दे दी गई है। शासन ने सच्चे परीक्षा नियामक से परीक्षा के संबंध में जानकारी मांगी है। इसके साथ ही सच्चे परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने बताया है कि यूपीटीटी फरवरी 2021 के अंतिम सप्ताह तक हो सकती है। यूपीटीटी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक में लगभग 10 लाख परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही सीटेट 2020 की एग्जाम की डेट भी सीबीएसई की तरफ से निर्धारित कर दी गई है, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सीटेट 2020 का आपका जो एग्जाम है वो 31 जनवरी 2021 को सीबीएसई की तरफ से कंडक्ट कराया जाएगा। इसके साथ ही बात करते हैं अब हम यहां पर पुलिस भर्ती की प्रक्रिया के बारे में, जो कि आप यहां स्क्रीन पर देख सकते होंगे। प्लीज सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी न्यूज़ के बारे में जानकारी मिल सके, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। लखनऊ से बड़ी अपडेट है ये। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस में 18,912 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसकी परीक्षा आगामी महीनों में कराई जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा 9,534 पद पुलिस सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर पीएसी व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के। इसके साथ ही आप देख सकते होंगे 2016 के यहाँ पर भर्ती के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने ये भी बताया कि जेल बॉर्डर फायरमैन व कांस्टेबल घुड़सवार की सीधी भर्ती 2016 के जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, 5,805 पदों पर ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इससे संबंधित जो आपकी भर्ती परीक्षा होगी वो 19 व 20 दिसंबर 2020 को आयोजित कराई जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।